रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है। मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ, वंश कोल्हू, तेल से ही मिलेगा यही। एक तरफ 50 डिग्री तक के तापमान में आमजन बेहाल नजर आ रहा है, लोगों को एसी में भी राहत नहीं मिल पा रही। ऐसे में देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोक कल्याण की कामना से जलती अग्नि के बीच कठोर तप कर रहे हैं। ऐसी ही तस्वीर जनपद सीतापुर के ब्लॉक सकरन के गोड़ियन पुरवा बलबलपुरवा के पास बने शिव मंदिर से सामने आई है, जहाँ पर संत न कि आग के बीच बैठे हुए हैं, बल्कि जलती आग को एक लोहे के पात्र में भरकर अपने सिर पर रखकर धूनी रमाए हुए हैं। मौनीदास बाबा नाम से विख्यात यह संत यहाँ 3 दिवसीय अग्नि तप कर रहे हैं। भक्तों का कहना है कि ज्येष्ठ की तपती दोपहरी में मौनीदास बाबा कहीं न कहीं अग्नि तप करते रहते हैं। इस अग्नि तप के दौरान वह जहाँ धूनी रमाते हैं, वहाँ चारों तरफ गोला बनाकर आग जलवाते हैं और जलती हुई आग को एक पात्र में भरकर अपने सिर पर भी रखते हैं। भक्तों का मानना है कि मौनीदास बाबा यह सब लोक कल्याण के लिए बीते 2 दशकों से करते चले आ रहे हैं। आइए पहले वह वीडियो देख लेते हैं, जिसमें मौनीदास बाबा के द्वारा जलती आग के बीच बैठकर तप किया जा रहा है। जनपद लखीमपुर क्षेत्र के समयसा निवासी मौनीदास बाबा का आग के बीच बैठकर तप करने का सिलसिला लगभग 20 वर्षों से चला रहा है। भीषण गर्मी में आग के बीच बैठकर तप करने की जानकारी जैसे ही ग्रामीणों को हो रही है, वह श्रद्धा भाव से मौनीदास बाबा के दर्शन और आशीर्वाद के लिए वहां पहुंच रहे। आ इंडिया के सकरन संवाददाता विनय अवस्थी ने अग्नितप कर रहे मौनीदास बाबा का दर्शन करने आए ग्रामीणों और श्रद्धालुओं से बात की। मौके पर मौजूद अशोक कुमार, भूपेंद्र सिंह, पुजारी प्रमोद कुमार यादव से बातचीत की। आप भी सुने उन्होंने क्या कहा। नाम अशोक कुमार है और हमारे मौनीदास बाबा जी यहाँ पे अग्नितप कर रहे हैं और ये क्षेत्र है ग्राम बलबलपुरवा, ग्राम पंचायत मरोड़, विकास खंड सकरन, जनपद सीतापुर। इसके अंतर्गत हमारे बाबा जी 3 दिवसीय अग्नितप कर रहे हैं और ये प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास में 30 दिनों तक अग्नितप करते हैं। लगभग 50 वर्षों से बाबा जी कठिन साधना करते आ रहे हैं। बाबा जी का मेन उद्देश्य लोक कल्याण, जन कल्याण एवं संसार सुखमय हो, यही उद्देश्य है हमारे बाबा जी का। और यहाँ पे बहुत ही भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मंदिर भी बना हुआ है सामने। बाबा जी जब भी कभी यहाँ आते हैं तो मंदिर पे भंडारा, जलपान जो संभव होता हुआ हम क्षेत्रवासी मिलकर संपन्न कराते हैं। ये हमारा जी जो है अग्नि तपस्या कर रहे हैं। 3 दिन का कार्यक्रम है। बुधवार को बैठे थे, इसका अंतिम चरण शुक्रवार हो, आज जो है बृहस्पतिवार को जलपान हो रहा है। कल आखिरी कन्या भोजन व विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। जी हमारा नाम है भूपेंद्र सिंह चौहान, मैं मोहम्मदीपुर का रहने वाला हूँ, जीता मोह चौराहे के पास गांव पड़ता है हमारा। और ये मौनी जी महाराज जी इनका जो निवास है वो खमरिया मेल के पास पड़ता है समयसा। और ये हर ज्येष्ठ माह में हर साल इसी तरह पूरे महीने तप करते हैं। यहाँ पे 3 दिवसीय कार्यक्रम है गुरु जी का। कल शाम 4 बजे बैठे थे और कल शाम 4 या 5 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। ये इनका मेन उद्देश्य यही है, लोक कल्याण के लिए अपने तप कर रहे हैं और गुरु दर्शन और अपनी तपस्या यही सब करते हैं। मेन उद्देश्य यही है। मान से बरस रही आग, फिर भी मौनीदास बाबा जी ताप रहे आग। आई इंडिया टीम पहुंची है विकास खंड सकरन गोड़ियनपुरवा बलबलपुरवा चौराहे के पास, जहां पर शिव मंदिर, शिव पार्वती मंदिर बना हुआ है। यह चिलचिलाती धूप और 50 डिग्री तापमान से ऊपर की स्थिति है और वहां पर मौनीदास बाबा जी चारों तरफ आग की धुनी लगाए हुए आप देख सकते हैं ताप रहे हैं। और ये कल से ताप रहे 3 दिनों के लिए इन्होंने कठिन साधना के लिए अपना व्रत किया है। और इनका व्रत लोगों का मानना है कि हर माह में जो ज्येष्ठ माह है इस पूरे माह में ये कहीं न कहीं पर तप अपना करते हैं, स्थान बदल बदल के।
और ये जन कल्याण, लोक कल्याण, जीव कल्याण के लिए अपना ये तप करते हैं। इनका जीव कल्याण और जन कल्याण का ही उद्देश्य रहता है। फिर भी वैसे भी ये सीतापुर धरती ऋषियों मुनियों की धरती कही जाती है। आई इंडिया के लिए विनय अवस्थी सांडा सकरन से। शुरू हो चुका है काउंटिंग का काउंटडाउन। 4 जून को मिलेगी नई सरकार। आई इंडिया पर देखें 80 सीटों का हार। मतगणना की महाकवरेज 4 जून को सिर्फ और सिर्फ आई इंडिया पर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।